जिन साहब का पैसा है, देखिए ₹50 डाला है, वो तो स्टेटमेंट अपन मीटिंग में दे रहे हैं ना, स्टेटमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं राजेंद्र भाई, एक बात तो बता, यार संगठन बना कर कोई इनके पैसे दिलाने के तो बना कर कितनी मेहनत करी, रात दिन फिरे काहे खतर फिरे हम, बस नहीं नहीं किसी ने साथ दिया तो क्या करे, मर जाएगा कहीं जाकर। देखो इन्होंने बोला है ना बहुत मोटा पैसा लिया है हमने, ये बोला है तो मैं इसलिए फोन लगाया था संतोष भाई को कि स्टेटमेंट संतोष भाई मैं दे दूंगा, अभी हमने तो बोला मीटिंग में देने के लिए तो हम मीटिंग अभी करी नहीं है, बाकी वकील साहब अभी भिलवाड़ा आएंगे तो अपना पैसा ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टोकन का वापस किया है और स्टेटमेंट आपको दे देंगे। अकाउंट में पर्सनली लोगों का वापस करा, इन्हें तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें डेली के 1000-2000 रुपए दे दो और इनका काम चलता रहेगा। अब मुझे हरिद्वार बैठा रहा है, कटोरा देगा मेरे हाथ में, मैं भीख नहीं मांगूंगा, नेटवर्किंग कंपनी 100 भाग दिए थे, 100 बार खड़ा हूँगा, 100 बार काम करूंगा, 100 बार नेटवर्किंग करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा लाल किले पर खड़ा होकर। यार दूसरे की मजबूरी नहीं समझते आना, कुछ दूसरे रोज रोज अक्सर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन पे। गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट को मिस ना कर पाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वी आर वेरी नियर टू 15,000 सब्सक्राइबर, सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है ये। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के लिए फ्यूचर मेकर की एक ज़बरदस्त अपडेट लेकर के आया हुआ हूँ, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप संगठन को सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट को आप सपोर्ट नहीं करते, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं किसी भी संस्था को सपोर्ट नहीं करता, मैं जहाँ पे सच की बात होती है मैं वहाँ उस चीज़ के सपोर्ट करता हूँ। अगर मैनेजमेंट कुछ अच्छा काम कर रहा है सो आई विल सपोर्ट मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक मास की बात करी जा रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हुई है पिछले 2 सालों से सिस्टम चल रहा है। तो गाइज आज मैं आप लोगों से बात करूँगा आज संगठन के ऊपर। पहले बहुत सारे लोग काम करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल भी चलती थी, बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लोगों का साथ ना होने की वजह से वो सब चीज़ें बंद करनी पड़ी, राइट। लेकिन अभी जो संगठन डिपेंडेंट हो गया है वो ओनली 5 लोगों के ऊपर हो गया है, उनमें से कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा। संतोष जी हैं, जयेश भाई हैं, शशि भूषण जी हैं, इसी तरीके से 2 लोग और हैं, 5 लोग अभी संदीप जी हैं संगठन के ऊपर, 5 लोग इनके ऊपर कमान सौंप दी गई है। पहले जैसे कुछ लीडर थे जिनके नाम लेना चाहूँगा, जोगिंदर गिल जी, विकास जी, राजेंद्र जी एंड सोनू राठौर जी, अब ये लोग थोड़ा सा पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का साथ भी नहीं मिल रहा, एक तरीके से इनकी बात भी सही है, लेकिन ये लोग आज अपना कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट में वर्किंग है, राइट। कोई कॉइन पे काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हर किसी की फैमिली है, आगे को फैमिली को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कॉइन देन आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, आप करिए कॉइन, कॉइन करने में कोई मुझे इस तरीके का एतराज़ नहीं है। तो अब बेसिकली बात ये है कि, और सबसे अच्छी बात यह हुई थी कि कोर लीडरशिप ने संतोष जी जो दिल्ली से हैं, जो कि बार बहुत अच्छी ऑडियोज़ वगैरह देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, सिस्टम पे टच में बना करके रखते हैं, एक आशा दिए रहते हैं, उनको फ़ोन भी गिफ्ट किया था ये, और वो उस चीज़ के लिए ऋणी भी हैं, वो लोगों का बार बार शुक्रगुजार भी करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि ये जो सारी लीडरशिप थी ये आज पीछे क्यों हट गई, राइट। ये लोग पीछे क्यों हट गए और इन लोगों ने पूरी कमान जो है वो इन लोगों के हाथों में क्यों सौंप दी। आज लोगों के कॉल जो आते हैं वो इन लोगों को क्यों आते हैं, संतोष जी को, शशि भूषण जी को, जयेश जी को, आज जो कॉल्स वगैरह आ रहे हैं इन लोगों को आ रहे हैं। पहले जो फंड वगैरह कलेक्ट किया गया था आज लोग उसके लिए भी कॉल कर रहे हैं कि किसी ने 500 दिया था, किसी ने 1000 दिया था, किसी ने 100 दिया था, किसी ने 10 दिया था, किसी ने 20 दिया था, तो उस फंड का क्या हिसाब है। अब सवाल जो है वो इन लोगों के पास आ रहा है, इन लोगों के पास उसका एक जेन्युइन जवाब नहीं है, राइट। वो फंड वकील को हायर करने में दे दिया गया या वो फंड अभी भी जो फ्यूचर मेकर FDMSSS करके समथिंग ऐसे करके कुछ फ्यूचर मेकर डायरेक्ट सेलर सेवा संस्थान करके इस तरीके से इन्होंने एक संस्था चलाई थी, वो संस्था अभी कहाँ एग्जिस्ट है, वो वेबसाइट वर्किंग है या नहीं, ये क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में कोई भी एक प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो एक बहुत हेल्दी और एक कन्वर्सेशन हुआ है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर मेकर से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखो इन्होंने बोला है ना बहुत मोटा पैसा लिया है हमने, ये बोला है तो मैं इसलिए फोन लगाया था संतोष भाई को कि स्टेटमेंट संतोष भाई मैं दे दूंगा। अभी हमने तो बोला मीटिंग में देने के लिए, तो हम मीटिंग अभी करी नहीं है। बाकी वकील साहब अभी भिलवाड़ा आएंगे तो अपना पैसा ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टोकन का वापस दिया है और स्टेटमेंट आपको दे देंगे। अकाउंट बता पर्सनल भी लोगों का वापस करा, इन्हें तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें दे दीजिए 1000-2000 रुपए दे दो और इनका काम चलता रहेगा। अब मुझे हरिद्वार बैठा रहा है, कटोरा देगा मेरे हाथ में, मैं भीख नहीं मांगूंगा। नेटवर्किंग कंपनी 100 बार दिए थे, 100 बार खड़ा हूँगा, 100 बार काम करूंगा, 100 बार नेटवर्किंग करूंगा, लाल किले पकड़ो गए यार। दूसरे की मजबूरी नहीं समझते आना, कुछ दूसरे को रोज रोज संगठन पैसे क्या कर ले किसी के घर जाके। अभी देखो संतोष भाई, अभी मैंने आपको 2 दिन लेंगे खड़े होंगे, अपने काम का पैसा लेंगे, किस हिसाब से कह रहा तो ऑडियो डाल दूंगा। सुनो गिल साहब सुनो, रोज रिकॉर्ड करा ना तू, या भाई ये रिकॉर्ड करा डालिए सब मैं ये बात ही। अरे विकास भाई देखो, अपन ने तो पहले वो 2-5-10 रुपए थे जब जीरो बैलेंस में तो अकाउंट खुलवाया। राजेंद्र भाई बात सुनो, मैंने आपको सौरा उसी टाइम मना ज्यादा मना नहीं करी थी, मैंने उसी टाइम मना करती, मगर ये लोग पूछते हैं ये नहीं समझ रहे कभी भी जिंदगी में किसकी क्या करें। पर यार विकास भाई देखो आप अपना अपना तो उद्देश्य सबका एक ही है, सब अब क्या देखो किसके पेट में कौन दसा है यार। आज विकास यादव या अशोक मिश्रा इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ये लोग, बस करें क्या भाई। जो हमारी मजबूरी है ना, हमारी पैसे से कमर टूट रही है, बस बात की है, वरना उनके बाप का पैसा है क्या, या हमारी जिंदगी उनके बाप की है साला जो हम सुने, पर करें क्या मजबूरी है। सुनो जी भीलवाड़ा है भाई गिल साहब, मना आपको कितनी बार मना करिए आपको अलग अलग ले जाकर, मगर जी प्रयास गलत कर रहे लोग, सारे कमीन है और उल्टा ले जाएंगे मेरे भाई, अब ये पैसा इकट्ठा कर लेंगे, भाग जाएंगे, नू कर जाएंगे, कोई साथ नहीं देने का सौरा। अरे यार तो विकास जी देखो, मैंने अभी संतोष भाई को या कालू भाई को ये बोला है लाइन पे कि देखो मैं तो मेरी FIR कर रहा हूँ, 1 तारीख मैंने अपन ने जो चर्चा करी है पर्सनली, आप भी अपनी अपनी करो, अगर कोई साथ नहीं अब अपन काम नहीं देख पा रहा है बस जो करना। दूसरा क्या देखो, अगर मान लो संस्था के अकाउंट में आपको लग रहा है 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मैं तो स्टेटमेंट पहले भी दिया, क्योंकि 0 बैलेंस पे खाता खुला है। बाकी गिल साहब का पैसा 100 रुपए जो करके आए हैं वो आप ले लो, मेरे को क्या करना है यार, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखो संगठन बनाने में साला कोशिश करके पैसे भी हमने काट दिया, मुझे तो पता मारी जी को फोन पे बात करके मजे लेने। तो आप लोग हमारे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो ये तो बताओ, मैंने क्या गलती करी है? तो आप सामने ही बात करो ना, मैंने तो कालू भाई से जो बात करी वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी। कालू भाई ने मैंने कोई नहीं खरीदे, मैंने अपने बाप के पैसे तो खरीदे। तो आप खुद ही कालू भाई से बात करो ना, मेरी क्या गलती है, मेरे को क्यों धमका रहे हो आप? क्यों तुमने नहीं कहा, तुमने क्या कहा? मैंने बना तू लाइन दबा लो, तू अड़चने संगठन ने चिपका रखा थी तुमने, तेरे पेड़िया लगा रखी। देखो यार गिल साहब छोड़ो अभी इन बातों को, जिनकी जो करते रहेंगे अपना अपने को फोकस रखो। पेड़ियों वाला पेट का ला था क्या कोई, तुझे बांध के ला था संगठन में कोई? भाई एक बात सुन, कंडीशन है क्या? आज तो नहीं कह रहा मैं, 8 दिन तक कह रहा, मैंने तो इन्हें पर्सनल कॉल कर करके कही, राजेंद्र को भी कही, गिल साहब को भी कही, मगर सोनू को भी कहा, संगठन ने इसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। चलो आपने जो भी किया है आप लोगों ने सब कुछ अच्छा किया है, अच्छी बात है। आप लोगों ने मतलब नहीं, देखो पैसा सबका लगा है ठीक है ना, आपने गलत नहीं किया तो हम आप
एक मिनट सुनो गिल साहब, आप धमका रहे हो मुझे, आपने गलत नहीं किया तो आपके मार्ग आपके मार्गदर्शन में मैंने क्या गलत किया ये बताओ। ये देखो नहीं, ये देखो तो सही, आप इस भाई की बात रोड पर नहीं कर सकता रहा, बटन को बोल रहा वो तो मुझे ले रहा, तुम ले रहा कुछ नहीं, मुझे ले अपने लोग पैसों के ले, अपनी कमाई का ले, तेरा ले रहा ना, वो तो सब सामने है, बात करो उनसे, मैंने क्या गलती करी है, राजेंद्र भी है सामने, कालू भाई भी है सामने, क्या मतलब है, मैंने अकेले रखा था, मैंने नाम मैंने आप मैंने आप पूरी ऑडियो फिर से सुन लो, मैंने कहीं आपका नाम नहीं लिया है, आप सुन लो फिर से, ऑडियो सब पूरी सुनाई दे रही है ऑडियो। सुनो सुनो, अरे कालू जी की बात देखो, कालू जी ने अभी जब अपन ने संगठन की क्रियाकलाप करी है उसमें इन्होंने साथ रहे हैं, इनको भी पता है दुखी और सब बेरोजगार परेशान लोग हैं। दूसरा रहा पैसे का, तो हमें सबसे पहले बना ही पैसे के लिए तो संगठन था ताकि हम लोग सब व्यवस्था करके आगे बढ़ सके, पर कोई साथ देंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे बताओ। यदि वो बात ना, उस बात को समझने को तैयार नहीं है ये लोग। अच्छा अभी हम लोगों ने इतने लोगों ने आज मैंने भी देखो 4-5 बार पैसा दिया है, कभी 2,000 कभी 5,000। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ये मुझे क्यों सुना रहा फिर, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है भाई जी। भाई जी तो मैं कहा उस बात से पीछे हट रहा हूँ कि कितनी मजबूरी, गिल साहब बात सुनो कितनी मजबूरी, मैं बंदे जी भी गिल साहब तुमने दे दो यार, तो मैंने विकास भाई 2 दिन पहले ही संतोष भाई को बताया कि गिल साहब के लड़की के साथी है, बहुत दिन तक सुनता है, बार बार जब भी बोल लगा संगठन ने यो कर दिया, संगठन ने वो कर दिया, अब तेरी संगठन ने कौन सी भूरी खोल ली, इनके दिमाग में होगा कि संगठन ने पैसा ले लिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है विकास भाई, ज्यादा सुनो सुनो विकास भाई और गिल साहब दोनों लोग सुनो, आप हमें मत ज्यादा धमकाओ, आप लोगों ने जो प्रोसेस हमारे हाथ में दी ना हम आज भी लेके चल रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम अपनी गलती नहीं देख रहे हो, मजबूरी है ना यार संतोष भाई, मजबूरी है मेरे पास जो प्रोसेस थे मैंने आपको दे दी, तो सही सुन तो सही, क्या नहीं साथ, क्या साथ नहीं दिया, रोज ऑडियो के इंडिया साथ है क्या, क्या साथ नहीं दिया बता, हम तो अकेले हैं तो हमारे पास ही प्रोसेस, हमने आपको दे दी कि भाई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता तो 5 मिनट कर लो भाई, एक बात सुनो तो सही, सुनो तो क्या साथ नहीं दिया, तुम खुद अपने दिल से देखो पूछो और क्या क्या साथ नहीं दिया, यदि तुम 5 भाई पहले खड़े थे और आज भी खड़े हो और साथ में खड़े रहते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे यार क्या नहीं थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी काम करता है किसी के लिए, सबका एक साथ से क्या मतलब है, क्या साथ नहीं दिया तुमने तो बता, लॉकडाउन में तेरे घर आ जाते क्या भाई, तुम हमारे को ही क्यों धमका रहे हो बार बार विकास भाई, जो प्रोसेस तुमने संगठन की तरफ से बना के दिया वो तुम नजरों में देखो उठा के कि क्या किया तुमने, वकील तुमने हायर करके दिया, लोगों की टीम बना के तुमने दिया, हायर किया नहीं हायर करना था, इसके वकील के खाली नंबर दिए आपको, तो फिर तो आप लोगों ने अपनी गलती क्यों नहीं देख रहे, आप हमारे को क्यों धमका रहे हो, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं ना, बताओ ना, हमने तो वकील के नंबर दिए जिसने प्रोसेस बना रखी थी, अगर हम हायर कर लेते नहीं या हम वकील से बात कर लेते तुझे बताते कि 25 लाख में रहा हूँ, हाँ तो तुम बोलते कि वकील के लिए 60 ग्राम कर रखी है, वकील से साठ गाड़ कर रखी है, वकील के नंबर थे जिसने भाई दिए, तो आज उसी आज तो आज उसी सुनो सुनो आज उसी बात को हम बोल रहे हैं तो क्यों आप लोग को बुरा लग रहा है, हमने क्या किसी की भैंस खोल ली, नहीं तो वकील तो हमने किए नहीं ना, वकील तो आप लोग कर रहे थे, नंबर दिए वकील तो आप लोग कर रहे थे, हमने तो नंबर दिया, अभी संतोष भाई आज तो संगठन ने हमारा पागल बना दिया, रफा कर दिया, नू कर दिया, और रही बात संतोष भाई वकील के तो नंबर दिए ना आपको, अच्छा देखो एक बार तो रही कालू भाई की, अब सोनू भाई इतने सच्चे आदमी और इतने दिलदार आदमी, और कालू भाई जिसको मैं बयां नहीं कर सकता, और सोनू भाई जी ने मुझे ये बातें बताई और ये बात को हम शक में लेके पहले से सोच रहे थे कि 2 महीना पहले से ही हमारे को गिल साहब परेशान करके बोल रहे थे, और गिल साहब ये कह रहे थे कि भाई तुम लोग इधर पैसा लगाओ इधर पैसा लगाओ इधर पैसा लगाओ, कॉइन खरीद लो कॉइन खरीद लो, हम 3-4 जो 5 भाई है ना जो टीम बना के दिया था, सुखदेव को भी बोल रहे थे, मेरे को भी बोल रहे थे, मदन मिश्रा को भी बोल रहे थे, ओम प्रकाश मिश्रा को भी बोल रहे थे,
सबको बोल रहे थे वो, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई संगठन ही खत्म कर दिया जाएगा और संगठन के सारे ग्रुप खत्म कर दिए जाएंगे और लास्ट में हम पांच भाइयों को आगे बना करके, आगे जता करके, आगे चला करके ये सारा गेम समाप्त कर दिया जाएगा और हम चूतिया के जैसे तो, तमाशा देखते रह जाएंगे। अरे यही तो MLM है। हाँ, इसी को MLM बोलते हैं। काम करता कोई और है, उसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसी को MLM बोलते हैं। और आज भी दिल से लगे हुए हैं सोनू राठौर भाई जी, और वो दिल से जैसे हम लगे हुए हैं वैसे वो भी लगे हुए हैं, और इतने सच्चे जितने सच्चे आप अपनी ईमानदारी से सच्चाई बयां करते आ रहे हैं। सोनू भाई अलग से बयां करते आ रहे हैं, मैं अपना सच्चाई अलग से बयां करते आ रहा हूं, और तमाशा देखने वाला, तमाशा करने वाला और मजे लेने वाला अपना काम कर बैठा। तो वही तो बात है, मैं शुरू से यार भाई मेरी बात सुनो, जब आपको मैंने खाटू श्याम में चुपचाप से, जब वो उधर कोई नहीं था, अपन दो ही थे, तब मैंने आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी जी। मैंने कहा तो ये नहीं ऐसा होगा, आगे अब भी आपको कह रहा हूँ, आप अपना कहते ही पहले अपना काम करो, संगठन का काम होता रहेगा, अपना काम तो करो, इसी के भरोसे क्यों रहो यार जी, इसी के भरोसे पे क्यों रहो, मेरी बात सुनो। ये तो 6 महीने से करने लगे संगठन, ये बीच में ये सारे लोग पॉजिटिव थे, नहीं आ जाएगा राधे श्याम, नहीं आ जाएगा राधे श्याम, नहीं आ जाएगा। इनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई इसमें अपना कुछ हो जाएगा जुगाड़, फिर नहीं हुआ तो फिर इन्होंने क्या 20,000 फिर ये वो कॉन्फ्रेंस कौन पर चलती थी, तब बोलते लगे 20,000, अभी 20,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं, कभी बोलते 12,000 हो गए हैं, फिर बोलते तो 8,000 हो गए हैं, फिर बोलते इस समय 700 आदमी ऑनलाइन चल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल बोल के इनको इन्होंने क्या मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ाया, दबाव बढ़ा के कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा ना, बाकी संगठन का क्या मतलब था बढ़ाया तो फिर उसको खत्म क्यों किया, हो सकता है इनकी कंडीशन रही हो इनको फर्क भाई, जब भी कंपनी वाले पैसे देते हैं ना जी, तो उन फर्क रखते हैं कभी आज संगठन खत्म करोगे, आज खत्म कर लिया तभी तो पैसा दिया, बाकी क्यों देंगे जी, बाकी संगठन भाई संगठन बनाने का जो पैसा लगा था वो तो लग गया था, तो दोबारा से तो पैसा लग नहीं रहा था उसका जी, जैसे अभी 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 बीसों ग्रुप चल रहे हैं वैसे चलता रहता जी, इसमें कोई इलेक्शन पैसा नहीं लग रहा था ना। कोई बात नहीं, मैं सब बातें खुलासा करूंगा, टेंशन ना लो। मेरे को जैसे लोगों ने मेरी परिवार के बात, मेरे दर्द को जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे बयां किया है ना, मैं आज भी सच्चाई हूँ, आज भी वैसे ही हूँ, मैं पहले भी मरा हुआ था, आज भी मरा हुआ ही हूँ, आज भी मैं दुख अपना रो रहा हूँ, कल भी रो रहा था, जब आप लोगों से मिला था तब भी रो रहा था, और मैं कहीं से भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं किसी की बात को लेकर के या किसी के साथ को लेकर के मैं साला अपने आप को कलेजा मजबूत बना करके मैं बीच बाजार में खड़ा रहूं, मैं शुरू से ही लेके और अब तक साला मैं अकेला ही दिख रहा हूं, अकेला ही दिख रहा हूं। लेकिन क्या है, आपको आज बड़े दिल से मैं याद कर रहा था और अपने दिल की बातें सब सुनाया और आपकी सुनी, और सुन करके मैंने बहुत तसल्ली मिला मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया है दिल से आपके लिए, मैं अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ आपको। अरे भैया मैं आपको एक बड़ा भाई बात बड़ा भाई के साथ ही मैंने आपको जब पहली बार वहाँ देखा था ना खाटू श्याम में जी, तब वो सच्चे आदमी की तबियत मालूम हो गई है, तब मेरे को लग गया था कि आप सच्चे आदमी हैं जी भाई जी, इसीलिए मैंने आपको इतनी बातें बताई। चलिए ठीक है भाई जी, ठीक है अब खाना पीना हो गया, आपका फोन आया था, मैंने खाना खा ही रहा था और हाथ भी धो लिए, फोन चालू रख के बात भी कर ली और तम्बाकू वम्बाकू भी खा ली जी, कर ली जी, मैंने जो है वो क्या बोलते हैं तो गाइज़ अगर आप लोगों ने पूरी कन्वर्सेशन सुनी है तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो अपने कमेंट सेक्शन हाइड करता हूँ, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेंगे, हो सकता है मुझे कोई फीडबैक, कोई सलाह, कोई सुझाव आप लोगों की तरफ से मिल जाए जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँ, राइट। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि संगठन की कोर लीडरशिप जो आज संगठन के साथ नहीं है उनकी तरफ से गलती है,
या उन्होंने जो 5 लीडर हैं उनके ऊपर बात सौंप दी है, वो जिम्मेदारी दे दी है, या क्या है, या कुछ इश्यूज लग रहे हैं, कुछ चैलेंज लग रहे हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन पे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।